आज बताना है कैलेंडर। तो कैलेंडर में आज हम लोग तारीख पर क्या निकालना है, दिन कैसे निकलता है, ठीक है। किसी भी तारीख पर क्या निकालते हैं हम, उसका दिन कैसे पता करेंगे, ठीक। तो हम इसको कैसे देखते हैं, तो देखिए सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले तो इसका कोड याद कर लो, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसका ये कोड दिया है। ये तुम्हारा साधारण वर्ष का है, ये तुम्हारा लीप वर्ष का, ठीक। तो इसका कोड याद कर लो, दो तीन बार में रटोगे तो याद हो जाएगा। प्रैक्टिस करो, जैसे याद करने का तरीका मैं बता देता हूँ। जैसे याद करने का, ऐसे लिख लो जनवरी फरवरी, पूरी तरह से याद कर लो। उसके बाद 144, ऐसे याद का, याद करने का देखो तरीका मैं बता रहा हूँ, ठीक है। याद कैसे किया जाता है, तो 144, 025, 036, 146, ऐसे याद करो, तीन बार प्रैक्टिस करो, याद हो जाएगा। कैसे, 144, 025, 036, 146, ऐसे तीन बार अगर तुम प्रैक्टिस कर रहे हो तो याद हो जाएगा, ठीक है। और ये तुमको अगर ये वाला याद हो गया है तो तुमको ये तुम्हारा लीप वर्ष वाला कोड तुमको याद हो जाएगा। सिर्फ एक दो अंक याद कर लेना बस, ये तुम्हारा जनवरी और फरवरी का 03 को याद कर लो, उसके बाद सेम इसी को उतार देना, ठीक है ना, एकदम क्लियर याद हो जाएगा, ठीक। अब इसको याद हो गया, अब इसका देखो वर्ष का कोड दिया है, वर्ष का कोड दिया है तो इसको वर्ष का कोड भी याद कर लेना। जैसे 2000, 2000 है, 2000 के लिए क्या है, -1, 1900 के लिए 0, और 1800 के लिए 2, 1700 4, बस इतना याद कर लेना बस। फिर इसी क्रम को ऐसे बढ़ाते हुए, जैसे फिर अब 1600 है, 1600 4, 1600 क्या हो जाएगा, ये भी विभाज्य हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी, तो इसका क्या हो जाएगा, -1, फिर 1500 का 0, फिर 1400 का 2, 1300 का 4, इसी क्रम से ऐसे इसको कोड रहेगा। इसको जितना वर्ष रहेगा उतना याद कर लेना, इतने से पूरा निकल जाएगा तुम्हारा, ठीक। अब ये तुम्हारा सप्ताह का कोड है, सप्ताह कोड रविवार का 1, सोमवार का 2, मंगलवार का 3, बुधवार को 4, बृहस्पतिवार को 5, और शुक्रवार को 6, शनिवार को 0, ये कोड याद कर लो, ठीक है। अब ये अगर इतना याद है तो कैलेंडर में दिन निकालना बहुत ही याद कर लो, ठीक आसान है। है। देखिए इसको कॉपी कर लो या शॉर्ट स्क्रीन ले लो इसका, ठीक। अब इसमें हम देखते हैं, जैसे आज कौन सा दिन है, आज है 27 तारीख है, जैसे कि आज 27 तारीख है, 27 तारीख है, कैसा महीना, तीसरा, ठीक है, और सन 2023। अब इसको हमको निकालना है, किसी भी तारीख को हमको दिन निकालना है, तो हम कैसे निकाल, चाहे आज से लेकर, चाहे जिस वर्ष का हो, चाहे जब का हो, आप तुरंत निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन इतना कोड याद रहेगा तभी, और याद करना मैं बता दिया हूँ कैसे याद करना है, ठीक। जैसे आज 27 तारीख है, तीसरा महीना 2023 है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 7 है, 27 है, तो 27 को हम क्या करेंगे, 7 से भाग दे देंगे, किससे, 7 से, इसमें 7 से दिन है तो 7 से भाग दे देंगे, तो 7 से भाग दिए तो जैसे 27 में 7 से भाग दे दो तो, हाँ देखिए इसमें 7 से भाग देते हैं, जब इसमें 7 से भाग दिए तो कितना बार जाएगा, 7 × 2 = 14, 7 × 3 = 21, 7 × 4 = 28, तो कितना बार गया इसमें, 7 × 3 = 21, 3 बार गया 21, कितना बचा इसमें, 27 में से एक, मतलब कि 7 में से 1 गए 6, यहाँ पर 6 बचा। जो ये तुम्हारा शेष है, जो ये शेष है, इसके स्थान पर तुम यहाँ पर लिख दो शेष में, यहाँ लिख दो 6, ठीक है, इसको ऐसे लिख के छोड़ दो, ठीक है। अब इस यहाँ पर देखो 3, ये 3 का मतलब होता है जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च में इसमें मार्च का कोड क्या है, इसमें 4, तो मार्च का कोड क्या है, इसमें 4, तो यहाँ प्लस लिख दो 4, ठीक है,
इसको लिख दिए। अब इसको सबसे पहले देखना है, इसको चार तो लिख दिए, थोड़ा सा इसमें पहले ये चेक कर लेना है कि ये साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष है, ठीक है, मतलब साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष, चार या 400 से इससे भाग दो तो कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा लीप वर्ष हो जाएगा। अगर ये नहीं कट रहा है तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, साधारण वर्ष है। अब देखिए ये चार से नहीं कट रहा है ना 400 से कट रहा है, इसलिए क्या है, साधारण वर्ष है। अब जब साधारण वर्ष है तो इसका साधारण वर्ष का कोड देख लो, मार्च का क्या है, चार है, तो यहाँ देखो मैं प्लस करके यहाँ पर क्या लिख दिया, चार लिख दिया, ठीक है। अब इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें 2023 है, ठीक है। अब 2023 में ये पीछे वाले साइड का अंक लेते हैं, देखो ये इकाई और दहाई का अंक लेते हैं। अब इकाई और दहाई का अंक में हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले मैं चार से भाग दे देता हूँ, क्या, चार से भाग दे देता हूँ 23 में। अब इसमें चार से भाग दिए तो कितना बार जाएगा, चार कन्नम चार, चार दुनिया चाहती है, बार चार पंजे 20, ठीक है, चार पंजे 20 तो कितना बार गया, पांच बार। अगर तुम चार पंजे 20, यहाँ पर कितना बचा, तीन। ये इसमें का जो चार से हम भाग देते हैं, इसमें जो भाग देते हैं तो इसमें का भागफल लेते हैं, क्या, चार वाले में से भागफल को लेते हैं। अब यहाँ पर भागफल को इसमें जोड़ दिए, इसको यहाँ पर लिख दिए। अब इसी 23 में एक बार मैं क्या करूँगा, इसमें 7 से भाग दूंगा, ठीक है। अब इसी 23 में एक बार मैं 7 से भाग दूंगा, जैसे यहाँ पर मैं 7 से भाग दे रहा हूँ 23 में, तो 7 × 14 = 21 कितना हो जाएगा यहाँ पर, 21। अब इसमें कितना हुआ, शेष कितना है इसमें, 2, कितना, 2। इसमें के हम जो शेष आया है, इसमें एक शेष जो आया है 2, इसमें के हम शेष लेंगे, ये ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो इसका ध्यान रखना। ये जो 7 से हम भाग देते हैं तो इसका हम शेषफल को लिखते हैं, और जो हम 4 से भाग देते हैं तो इसको भागफल को लिखते हैं, ठीक है, इतना लिख दिए। अब उसके बाद हम देखते हैं ये 2000 बचा है, इसमें क्या बचा है, 23 वर्ष वाले को मैंने निकाल लिया, 23 वर्ष वाले को मैंने क्या किया, निकाल लिया। अब बचा क्या तुम्हारा, 2000। अब देखो यहाँ पर कोड क्या है, 2000 है। अब 2000 का कोड क्या है, मैंने बताया हूँ -1, यहाँ पर लिख दो -1, ठीक है, यहाँ पर क्या आया -1 कोड आया, पूरे के बटा क्या कर देना है, पूरे के बटा 7, ठीक है, पूरे के बटा 7। अब इसको हम जोड़कर इसमें जितना आएगा भाग दे देंगे, जो आएगा उसका कोड देख लेंगे, वही आंसर हो जाएगा। तो कितना हो गया, 6 × 4 = 10, 10 × 5 = 15, 15 × 2 = 17, 17 × 1 = 16, तो यहाँ पर हो गया 16 × 7। फिर से देख लो, 6 × 4 = 10, 10 × 5 = 15, 15 × 2 = 17, 17 × 1 = 16, तो हो जाएगा 16 × 7। अब 7 से हम क्या करेंगे, 7 से भाग दे देंगे। फिर मैंने 7 से भाग दिया किस में, 16 में, 16 से भाग दे दिया तो क्या हो जाएगा, 7 × 14, तो कितना आया इसमें, ये कट जाएगा, यहाँ पर बचा 2। अब जो इसमें शेष आया है, इसी जो शेष फल आया है, इसी का कोड हम देखते हैं सप्ताह में। अब इसमें सप्ताह का कोड क्या है, 2 का कोड है सोमवार, तो इसका मतलब आज कौन सा दिन है, सोमवार है, ठीक है, यही तुम्हारा आज कौन सा दिन है, सोमवार, यही तुम्हारा आंसर होगा। आप चाहे किसी का डेट उठाकर देख लो, आपका देख लो, इसी कोड पर ऐसे रख दो, आंसर 100% आ जाएगा, ठीक है। आप एक चेक करते गए, चेक कर सकते हैं, ठीक है, शॉर्ट स्क्रीन ले लो इसका। हाँ, दूसरा क्वेश्चन देखिए इसमें का, जैसे मैं बता रहा हूँ, 1/4/2023, 2023, ठीक है, इस तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका हम क्या निकालेंगे, इसका शेष निकालेंगे। अब इससे 7 से कम है, जब ये 7 से कम है तो इस संख्या को क्या लिख देना है, इसको ऐसे लिख देना है, ठीक है। अगर ये 7 से ज़्यादा होता तो हम इससे 7 से भाग देते, तब इसका जो शेष फल आता है इसको हम शेष फल को लिखते हैं, ठीक है। अब इसमें 4, ये 4 दिया है, तो ये 4 में हम कैसे पता करेंगे 4 का कोड, लेकिन 4 का कोड लिखने से पहले इसको पता करो, ये साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष है, ठीक है। अब इसमें हमको पता चला कि ये क्या है, 2023 क्या है,
हमको ये साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष है तो इसका कोड क्या होता है, चार। देखो चौथा महीना तुम्हारा क्या होता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, क्या है, मई होता है, नहीं सॉरी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल होता है। तो ए अप्रैल का कोड क्या दिया है, जीरो, तो यहाँ पर क्या लिख दो, जीरो, ठीक है। अब फिर इसमें आगे चलते हैं, अब इसमें आगे क्या करेंगे, अब इसको देखें 2023 है, तो जो 23 वाला इकाई दहाई वाला अंक है इसको हम सबसे पहले इसमें लिखेंगे लीप वर्ष के साधारण वर्ष निकालेंगे। तो इसको हमको लीप वर्ष निकालना है, तो लीप वर्ष निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें चार से भाग देते हैं। जब इसमें चार से 23 में भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, चार पंजे 20, ठीक है, पांच बार गया चार पंजे 20, हम इसमें जो आएगा इसको हम भागफल को लिखते हैं, कितना भागफल को लिखते हैं, तो हम इसमें भागफल को लिख लेते हैं यहाँ पर 5, ठीक, यहाँ भागफल तुम्हारा आया 5। अब इसी 23 में हम 7 से भाग दे देंगे, और 7 से भाग दिए 23 में, तो कितना बार गया 7 3 21। अब इसका हम जो शेष आया है इसमें का हम शेष लिखेंगे, तो इसका शेष कितना आया है, 2, तो इसका 2 आया है, तो यहाँ पर इसका शेष लिख देंगे 2, ठीक है। अब इसमें 2000 बचा, 2000 का कोड क्या होगा, 2000 का कोड यहाँ मैंने देखो लिखा हूँ, 2000 का कोड -1, तो यहाँ पर लिख देता हूँ -1, ठीक है, बटे पूरे का क्या कर देना है, 7। अब इसको जोड़ दो, 1 5 कितना हो जाएगा, ये 6 6 6 2 8, 8 में से 1 गया 7, यहाँ बचा क्या 7 7 बटे 7, ठीक है। अब इसमें 7 से 7 भाग दोगे तो कितना जाएगा, 7 में 7 से भाग दिए तो कितना, 7 का नाम 7, अब यहाँ कट जाएगा, यहाँ 0, क्या आया तुम्हारा, शेष 0। अब हम इसी शेष को देखेंगे, 0 का कोड क्या होता है, 0 कोड यहाँ होता है शनिवार, तो यहाँ 0 कोड शनिवार होता है, तो इस 1 तारीख को जो होगा, 1/4/2023 को, 1/4/2023 को कौन सा दिन होगा, शनिवार, क्या होगा, शनिवार, देख लो 100% यही दिन आएगा, ठीक है, शॉर्ट स्क्रीन ले लो।